आज था गोवर्धन का दिन और हमने डिसाइड किया कहीं जाना, तो वो मैं आपको ज़रूर आगे चल के बताऊँगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत दिनों से पेंडिंग था वहाँ जाना, तो फाइनली वो वक्त आ गया। तो आपका जब भी कोई वक्त ऐसा आता है कि आपको इसी दिन जाना है, तो वहीं तभी जाया जाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम नहीं जा पाते और फाइनली हम उस जगह पे पहुँच गए जहाँ हमें जाना था। तो हम पहुँचे हैं नीम करौली बाबा के धाम और ये आश्रम बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा शांति रहती है यहाँ पे और जाके बहुत ही अच्छा लगा है। और अंदर मोबाइल चलाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर सकती हूँ। और फिर हम पहुँचे हैं घोड़ा खाल मंदिर, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, और वहाँ से नीचे का जो व्यू था वो बहुत ही खूबसूरत था। और इसके बाद हम लौटते में पहुँचे एक नर्सरी जो भीमताल में थी, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि रास्ते में नर्सरी पड़े और हम ना जाएं। तो ये बहुत ही अच्छी नर्सरी, बहुत बड़ी बड़ी नर्सरी हैं, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा क्योंकि हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा मिल जाता है। और अभी हमारे यहाँ इतना ठंडा नहीं है, लेकिन ऊपर पहाड़ों में थोड़ा ठंडा रहता है और फूल बहुत जल्दी मिल जाते हैं। तो मैं अपने आइडिया से फूलों की शॉपिंग करती हूँ कि किस फूल को कितनी ठंडे में रखना है। और अब हम घर पहुँचे थे, तो शाम को मुझे गोवर्धन पूजा करनी थी, उसके लिए मैं यहाँ से अपने गार्डन से लेने आई हूँ मूली के पत्ते कुछ तोड़ने के लिए, क्योंकि सब्जियाँ बाकी सब कटी हुई थी, कुछ मूली के पत्ते मुझे चाहिए थे। तो बस मैंने कहा फ्रेश तोड़ लेती हूँ मैं, क्योंकि मार्केट जाना नहीं हुआ, और कर लेते हैं हम गोवर्धन पूजा की तैयारी। तो उसके लिए मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं, 2 लाल मिर्च डाली हैं साबुत, और कटी हुई 2 मिर्च और टमाटर डाल दिए, और उसके बाद क्रश करा हुआ मैंने अदरक डाला है। और अब डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, उसमें मैंने हल्दी, लाल मिर्च और धनिया डाला है। तो ये बेसिक मसाले तो सभी सब्जियों में पड़ा करते हैं, लेकिन मैंने एक स्पेशल मसाला बनाया है जिसमें कि मैंने साबुत धनिया, साबुत जीरा, खड़ी 2 लाल मिर्चें और जो छोटी इलायची होती है, मतलब काली इलायची, लौंग, इन सबको भूना था अच्छे से और फिर ग्राइंड करके उसका एक मसाला तैयार करा था। उससे बहुत ही अच्छी सब्जी बना करती है, बस उसको थोड़ा दरदरा पीसा जाता है। उसके बाद मैं थोड़ी सी कलर वाली लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ भुना जीरा पाउडर, नमक, थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से पकाएंगे। और उसके बाद जब ये पूरी तरीके से मैश हो जाएंगे, टमाटर मसाले सारे भुन जाएंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे आलू और बैंगन, जो कि मैंने सारी छोटी छोटी सब्जियाँ काट के रखी हैं, और थोड़ी थोड़ी आपके पास जो भी सब्जी हो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने गाजर डाली है, थोड़ा सा कद्दू डाला है, तो आपके घर में जो भी सब्जी हो आप ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी बीन्स डालूंगी मैं, और जो भी हार्ड वाली सब्जियाँ उनको मैंने पहले डाल के थोड़ी देर पकाया, और फूल गोभी भी मैंने थोड़ी सी ऐड करी है इसमें। और इसको जब थोड़ा सा जब ये गल जाएगी, उसके बाद मैं फ्रोजन मटर डाल दूंगी थोड़ी सी, और इसके बाद मैंने जो पत्ते काट के रखे हैं मूली के वो मिक्स करें हैं। सबसे लास्ट में उन पत्तों को मिक्स करेंगे क्योंकि पत्ते बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। इसमें आप मेथी, पालक कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और जो सब्जियां आप खाना पसंद करते हो उसे ऐड करें। और उसके बाद मैं बना रही हूँ कढ़ी, तो जिससे भी लड्डू गोपाल जी का भोग लगाया जाता है गोवर्धन पूजा में, बस वही मैं बना रही हूँ। और ये है पकौड़ियों की तैयारी, जिसमें कि मैंने थोड़े से मसाले वगैरह डाले, और बस अब पकौड़ियाँ तोड़ेंगे और फटाफट से कढ़ी बना के भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो आप लोग भी क्या ऐसा करते हैं गोवर्धन पूजा में? मैं तो बस गोवर्धन नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं भोग ज़रूर लगाती हूँ, और बस सारा हींग जीरे से मैं कढ़ी को छोंक दूँगी, और अच्छे से इसे सौंधे होने तक पकाना है हमें, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आए। और यहाँ मैंने जो घोल तैयार करा था यानी बैटर, उसको छान लेंगे जिससे कि कोई उसमें लम्स ना रहे, कोई गुठलियाँ ना रहे, और हमारी कढ़ी यम्मी सी बनके तैयार हो गई है। और प्रसाद खाने में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, और एक तड़का मारेंगे थोड़ा सा जिससे कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए, क्योंकि मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी, थोड़ी सी डाली थी, मतलब थोड़ा सा तड़का मार देंगे। और बिल्कुल सात्विक खाना है, ना इसमें प्याज है ना लहसुन है, क्योंकि मैंने भोग लगाना था। तो ये लीजिए हमारा टेस्टी सा मतलब डिनर तैयार है। और पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ, तो उसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख पाएँ। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।